मेरा भारत, मेरी सांस्कृतिक, मेरी मिसाल, मेरी पहचान, सब कुछ मेरा भारत है। मेरा भारत मेरे तिरंगा की आन बान शान है। हमेशा ऊंचे पर्वतों पर मेरी तिरंगा लहराता रहे, मेरी भारत की शान लहराती रहे। भारत की शान मैं हूँ, भारत की सांस्कृतिक मैं हूँ, भारत की पहचान मैं हूँ, मैं हूँ क्रेडिबली इंडिया। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। भारत समेत दुनिया भर में कोरोना महामारी जिस तरह से चल रही है, आप इससे डरिए नहीं, इसका मुकाबला कीजिए। सावधानी से रहिए, अपने स्वास्थ्य की देखभाल खुद कीजिए, अपने परिवार की देखभाल खुद कीजिए। आपका अपना जिस तरह से परिवार है, देश है, खुशियाँ है, सभी आप अपना ध्यान रखते हैं, उसी तरह से अपने स्वास्थ्य की ध्यान आप खुद रख सकते हैं। यदि आप बाहर जा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी सावधानी से रहें, बिल्कुल भी आप लापरवाही ना करें, जैसे कि मास्क, सैनिटाइज हाथ में हमेशा करते रहें। यदि आप घर घुस रहे हैं, घर में आ रहे हैं, तो आप अपने आप को साबुन से या सैनिटाइज से हाथ धुलते रहें। और स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के बारे में आप हमेशा ध्यान रखते रहें। आपका भारत, अपना देश, अपनी दुनिया कोरोना को लेकर काफ़ी गंभीर है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर आज जिस तरह से बताया जा रहा है कि हमेशा स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना महामारी जन संकट को जल्दी से निजात दिलाने के लिए लोगों की समस्या सुन रही है और वह इलाज भी हो रहा है और अच्छे भी हो रहे हैं। भारत में जिस तरह से मृत्यु दर कम है, लेकिन कोरोना महामारी की जिस तरह से संकट उभरी है, इसे आप सभी से कुशलता यही है कि आप सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, जहां भी रहें, और आप हमेशा अपने आप को स्वस्थ महसूस करें और कोरोना महामारी में मुंह में मास्क लगा के जरूर चलें। जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर गाइडलाइन करती रहती है स्वास्थ्य मंत्रालय, वहीं पर आप शासन प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैदी से कोरोना समस्या को जल्द निजात दिलाने के लिए कमर कस ली है। वहीं पर यदि आप सड़क पर चल रहे हैं या दुकानदार हैं, आपने मास्क नहीं लगा रखे हैं, तो आपकी 500 रुपये की चलान काटने के लिए आपके पास पुलिस वाला जाएगा और आपका चलान कट जाएगी। आप मोटरसाइकिल, कार, वाहन, किसी भी तरह की वाहन, यदि आपने मास्क नहीं लगा रखा है तो आप उल्लंघन कर रहे हैं। आप कोरोना महामारी से चपेट जिस तरह से हो रहा है लगातार, उससे आप मुंह में मास्क लगाकर चलना बहुत ज़रूरी है। यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप मुंह में मास्क लगाकर ही चलें, क्योंकि यह जो है संक्रमण जिस तरह से एक दूसरे व्यक्ति पर पहुंच जाता है, इसलिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। और आप सड़क पर जा रहे हैं तो आप ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि आम जनमानस मिलते हैं और जो है आपकी कीटाणु दूसरे कीटाणु तक पहुँच जाती है, इसलिए मास्क लगाओ। यदि आप मास्क नहीं लगाओगे तो 500 रुपये का चलान आप रोड पर चल रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, पुलिस वाला काट देगा। इसीलिए आपसे विनती है, आपसे अपील है कि यदि आप कोरोना महामारी की समस्या से जूझ रहे हैं और गरीबी आ गई है, तो आप अपने आप को स्वस्थ रखें और गर्म पानी पीते रहें, जैसे काढ़ा वगैरह, और शाम सुबह ज़रूर आप जो है पानी गर्म करते रहें, और अपने हाथ को सैनिटाइज करना ना भूलें दिन में 4-5 बार। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कोरोना काल में उन्होंने जो है संबोधित किया था कि अपने आप को गर्म पानी पीते रहें और अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें, डिटोल से हाथ धुलते रहें और मुंह में मास्क लगाकर आप बाहर निकलें। यदि आप बाहर निकल रहे हैं तो मुँह में मास्क लगाकर जरूर चलें। इससे बाहर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले चालान काटने से आप बच जाएंगे और आपका वह पैसा खाने पीने में, परिवार में यूज हो सकता है। इसलिए आपसे विनती है कि आप जब भी आप बाहर निकलें तो आप जो है मुंह में मास्क लगाकर ज़रूर निकलें, और यह होना भी चाहिए। और आप जागरूक, दुनिया जागरूक, आपका परिवार कुशल, आप पूरा देश कुशल की विनती करती है। तो आप बस हम यहीं तक, फिर आपसे किसी मुद्दे के साथ मिलेंगे। आप अपना ख्याल और देश का ख्याल जरूर करें, आप स्वस्थ रहें। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।